अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और मोबाइल का रिव्यू लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। लेकर आया हूँ 20,000 की रेंज में एक 4 GB रैम और 64 GB वाला मोबाइल आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें बॉक्स पैक मोबाइल की तो बॉक्स पैक में मिलना नामुमकिन सी बात है। कुछ मन हम पहले की बात करें तो 20,000 की रेंज में हमें 4 GB रैम और 64 GB रोम वाला मोबाइल देखने को मिल जाता था बॉक्स पैक कैटेगरी में, लेकिन आज आपको नहीं देखने को मिलता। 25K से लेके 30K तक इस प्राइस रेंज में आपको 4 GB रैम और 64 GB बॉक्स पैक मोबाइल देखने को मिलते हैं। और आज मैं आपके लिए एक किट मोबाइल लेकर आया हूँ जो कि 4 GB रैम और 64 GB हमें प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोटो जी पावर 2021 की। और मोबाइल की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, मैं आपको इसका डिज़ाइन चेक करा देता हूँ और फिर इसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन पे बात करते हैं। तो व्यूवर्स, बात करें मोटो जी पावर के डिज़ाइन की तो आप डिज़ाइन देख सकते हैं, एक काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन है। आप इसको सेमी बॉक्सी डिज़ाइन कह सकते हैं। एक इसकी जो हैंड फील है काफ़ी प्यारी हैंड फील है इसकी। और राइट साइड की हम बात करें तो हमें यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि पावर बटन पे ही इन बिल्ड है। इसी के साथ हम बात करें तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम रोकर मिल जाते हैं। अप साइड की बात करें तो यहाँ पे एक 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। इसी के साथ हमें एक सेकेंडरी माइक भी मिल जाता है। और हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाती है जो कि एक हाइब्रिड सिम ट्रे है। नीचे नज़र डालें तो यहाँ पे हमें एक माइक मिल जाता है और इसी के साथ टाइप सी की कनेक्टिविटी मिल जाती है, एक डाउन फायर स्पीकर मिल जाता है। एक साइड की बात करें तो यहाँ पे एक ग्लोसी डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है और इसी के साथ हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसकी हम आगे बात करेंगे वीडियो में। दोस्तों, इस मोबाइल में हमें 6.6 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है जो कि IPS पैनल है। और इसके रिजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD रिजोल्यूशन ये सपोर्ट करता है। इसी के साथ हमें एक 8 MP का साइड होल पंच कैमरा मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देता है। बैक पे हमें 48 MP का एक मेन सेंसर मिल जाता है। इसी के साथ हमें 2 MP का एक माइक्रो लेंस मिल जाता है। लास्ट में जो मिलता है 2 MP का एक डेप सेंसर मिल जाता है जो कि आपको पता है बुके इफेक्ट में काम आने वाला है। और इसी के साथ हमें एक सिंगल फ्लैश लाइट मिल जाती है जो कि काफ़ी ब्राइट है। और बात करें मोटो जी पावर के प्रोसेसर की तो हमें यहाँ पे स्नैपड्रैगन की तरफ से 662 का प्रोसेसर हमें यहाँ पे मिल जाता है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। आप इसके ऊपर एक डिसेंट गेमिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको बैकअप प्रोवाइड कर देती है। 1 से 2 दिन का आपको ये बैकअप प्रोवाइड कर देती है। अगर आप हेवी यूज़र हैं तो ये मोबाइल आपको 1 दिन का बैकअप प्रोवाइड कर देगा और स्टैंड बाय पे 2 से 3 दिन का ये बैकअप आपको ईजिली प्रोवाइड कर देगा। और दोस्तों, इसी के साथ हमें एक्टिव डिस्प्ले भी हमें यहाँ पे मिल जाता है जो कि आप लोगों को पता है मोटोला अपने हर मोबाइल में एक्टिव डिस्प्ले देता है, चाहे वो IPS स्क्रीन के साथ आए या AMOLED स्क्रीन के साथ आए। तो ये बेनिफिट है। और आपको पता है मोटोला के अपने एक्शन भी हैं, अपने मोटो एक्शन भी हैं जो कि चॉप चॉप करने पर इसकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। और मोटो जी पावर की प्राइस मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, ये 18,000 से लेके 20,000 रुपये में 20,000 रुपये तक आपको आसानी से मार्केट से मिल जाता है जो कि कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में इस मोबाइल को बाय कर रहे हैं। तो अच्छी अगर आप कंडीशन में लेना चाह रहे हैं तो ये 20,000 रुपये में एक अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है 20,000 रुपये में। और आपको क्या चाहिए, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी और इसी के साथ 48 MP कैमरा। तो डिज़ाइन की आप बात करें तो आप ये देख सकते हैं डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। इसका डिज़ाइन मुझे वाकई इसका बहुत पसंद आया है और स्क्रीन की रिजोल्यूशन भी अच्छी है। तो मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि मोटोरोला के जितने भी मोबाइल मार्केट में आते हैं एज अ किट इम्पोर्टेड मोबाइल आप कह सकते हैं इनको, तो ये सारे के सारे मोबाइल पेच ही आते हैं, कोई PTA ऑफिशियल अप्रूव नहीं होता, ये पेच मोबाइल होते हैं। तो इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि ये पेच मोबाइल होते हैं। खैर, पेच मोबाइल के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो 20,000 रुपये की रेंज में मोटो जी पावर 2021 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है डिसेंट गेमिंग के लिहाज से, नॉर्मल यूजेस के लिहाज से और एक कैमरा फ़ोन के लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो मेरी तरफ से ये फ़ोन 100% आपको रिकमेंड है। आप आराम से ये लोकल मार्केट से जाके परचेस कर सकते हैं जो कि
जो कि प्राइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 18,000 से लेके 20,000 रुपये तक की प्राइस रेंज में ये आपको आसानी से मिल जाता है लोकल मार्केट से, और शॉपकीपर इस पर डील भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें चार्जर मिल जाता है और एसेसरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, मोबाइल कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।